शीट नंबर 46 है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको ना ऑब्जेक्टिव के अंदर स्पेशली उससे एनसीईआरटी के अंदर भी दिखें, सिमेट्री पे दिखेंगे। सिमेट्री पे का मतलब क्या है, जैसे ये सिमेट्रिकल फिगर है, वो कहेगा एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। समस्या ये है कि ये दोनों सीरीज में नहीं हो सकते, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये दोनों पैरेलल में नहीं होंगे क्योंकि यहां और यहां का और यहां और यहां का पोटेंशियल चेंज है, तो इसमें कोई भी रेजिस्टेंस ना तो सीरीज में और ना ही कोई पैरेलल में। तो किरचॉफ लॉ आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे, आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन याद नहीं करनी, सिर्फ समझना है और इसका शॉर्टकट याद करेंगे। कैसे, ध्यान आगे क्या करेंगे, मान लो आई करंट आया, जंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ करंट आई वन इधर आ गया और आई माइनस आई वन इधर चला गया, इधर से आई माइनस आई वन आया, फिर जंक्शन आ गया, जंक्शन पे डिवाइड हो गया आई टू, तो बचा हुआ आई माइनस आई वन माइनस आई टू, इधर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखानी है, सिर्फ समझनी है। इधर से आई टू आया, इधर से आई वन आया, फिर जंक्शन आ गया, लेकिन टोटल करंट जंक्शन में कितना आ रहा है, आई टू प्लस आई वन, तो जब ये जंक्शन में एंटर करेगा तो बाहर भी कितना निकलेगा, आई टू प्लस आई वन, तो मान लो इसमें निकल गया आई टू और इसमें निकल गया आई वन, तो इधर जब आई वन आया, इधर से कितना आ रहा है आई माइनस, क्योंकि आई माइनस आई वन इधर आ रहा है, आई टू इधर आ गया, बचा हुआ कितना है आई माइनस आई वन माइनस आई टू, तो ये करंट है। अब ये करंट यहां से आ रहा है, इधर से आई टू आ रहा है, दोनों मिल गए, आई टू कैंसिल, आई माइनस आई वन, इसे इसे ऐड करेंगे तो फाइनल फिर से कितना आ गया आई, इसका मतलब मेरी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही है। अब प्रॉब्लम है इसमें, कई स्टूडेंट क्या करेंगे या कर सकते हैं, उनका राइट है करना, कि मैंने यहां आई टू से आई टू लेके गया और आई वन को आई वन लेके गया, वो ये भी तो कर सकते थे कि टोटल करंट आ रहा है आई टू प्लस आई वन और बाहर निकलते हुए इधर चला गया आई वन, इधर चला गया आई टू, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी नहीं है, ऐसा करने से आपको एक एडवांटेज मिलेगा जो मैंने किया। क्या एडवांटेज है, कि आई टू करंट आया और बाईपास होके बाहर चला गया, इस वायर में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुई, आई वन आया आई वन ही चला गया, यानी कि दोनों करंट्स यहां पर, ये जो जंक्शन है, मैं जंक्शन को डिटैच कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि देखो I2 करंट आया I2 चला गया, I1 आया I1 चला गया, तो इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, हटा लिया मैंने, हटा लिया, क्वेश्चन एक मिनट में सॉल्व हो गया। ये दोनों किस में हो गए, इन सीरीज, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, जो आंसर आएगा इनके साथ इन सीरीज, ये दोनों भी किस में, सीरीज में, और आपस में सब कुछ पैरेलल में। तो आपको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी, कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस सिमेट्रिकल फिगर है ऐसे क्वेश्चन में इसको डिटैच कर लेना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालना है। ये पहली टेक्निक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक और टेक्निक है, काफी बुक्स ये यूज करती दिखेंगी आपको ऑब्जेक्टिव में। पहले ये समझो कि आर अगर कोई रेजिस्टेंस है और आर रेजिस्टेंस को अगर मैं ब्रेक कर लूं तो आर बाय टू सीरीज में लगा सकता हूं, बात एक ही है, क्योंकि आर बाय टू प्लस आर बाय टू आर ही होता है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन सिमेट्री में है तो मैंने क्या किया, ध्यान आगे प्लीज, सिमेट्रिकल फिगर जब भी बनती है आप एक काम करो, एक ऐसी लाइन खींचो कि आपको ये फिगर एक दूसरे की मिरर इमेज दिखे, दिख रही है ये देखो ऐसी है, ज्वाइन करोगे बिल्कुल एक के ऊपर एक ओवरलैप होगी, चेक कर रहे हो, देखो ना जो पार्ट इधर है वही पार्ट लेफ्ट और वही पार्ट राइट में मिरर इमेज है। तो इलेक्ट्रिसिटी का रूल है, अगर इतनी सिमेट्री है कि मिरर इमेज बन रही है तो जो मैंने इमेजिनरी लाइन लाइन यहां पर खींची, जहां जहां सर्किट को टच करती हुई जाएगी, जैसे यहां टच कर गई, यहां पर टच कर गई, तो इन ये जो पॉइंट्स है वो ऑटोमेटिकली इक्विपोटेंशियल आ जाते हैं। इक्विपोटेंशियल का मतलब दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम। और अगर ये बहुत बड़ा जाल होता तो जहां जहां लाइन कट कर दी जाएगी सिमेट्री में लेफ्ट और राइट, तो वहां पोटेंशियल सेम होते जाते हैं। इससे एक फायदा हो गया, फायदा क्या हो गया, ये डी पॉइंट का पोटेंशियल है तो VD, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है VD माइनस VF, इसमें कितना है VD माइनस VC, लेकिन VC तो VF के इक्वल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका और इसका एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम, तो ये किसमें कनेक्टेड माने जाएंगे, इन पैरेलल। तो यही लगाया इसमें, ये देखो क्योंकि ये पॉइंट और इन पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम सिमेट्री की वजह से, तो आप इसको यहां से इन दोनों को पैरेलल में लगाते हुए r/2 इसके साथ दे दो, ऐसी r by 2 इसको दे दो, तो आपका डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। तो मतलब c पॉइंट पे जोड़ दिया, फर्क क्या पड़ रहा है, f का और c का पोटेंशियल तो सेम ही था, ऊपर ना जोड़ा नीचे जोड़ दिया, क्या फर्क है। तो ये दोनों किसमें, इन पैरेलल, जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज, इसके साथ इन पैरेलल, सेम ऐसी सॉल्व करोगे और आंसर सीरीज में आंसर सेम आएगा। जो टेक्निक पसंद है वो यूज कर लो,
मेरे हिसाब से जब ये क्वेश्चन ऐसा आएगा जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आपको ना टेक्निक नंबर वन लगानी पड़ेगी ना टू, क्योंकि आपको ये याद ही हो जाएगा सिमेट्री में, डिटैच कर दो। देखो ऊपर वाला डायग्राम देखो कर लिया, नीचे वाला डायग्राम ऊपर की कॉपी है, तो इसको डिटैच कर लें जैसे भी सिखाया था। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये दोनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, सब सीरीज में, ऐसी ये सब पैरेलल में, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं। तो बेस्ट है वो सिर्फ समझाने के लिए थी टेक्निक, लेकिन एक्चुअल में आपको ऐसे ही करना है। ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आना, एनसीईआरटी में तो आना नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव में अगर दिखेगा तो ऐसे डिटैच करके एक मिनट में कर देंगे, राइट। तो ये आपका जो है टॉपिक है जो कि इसके ऊपर बेस्ड है, जिसमें सिमेट्री वाले क्वेश्चंस हैं।